हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी अपनी जीमेल आईडी पे फोटो सेव किए हुए हैं, बैकअप किए हुए हैं गूगल फोटोज ऐप से या फिर किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू, तो आप उन फोटोज को कैसे देख सकते हो ये भी आपको बताऊंगा, और आप उन फोटो को वापस अगर गैलरी में लाना हो तो कैसे ला सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा। वीडियो को दोस्तों एंड तक देखना, तभी आपको सब कुछ समझ आएगा, तभी आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। बिना देर के दोस्तों अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको अपने जहाँ पे एप्लीकेशन को ओपन करना है जीमेल को, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको जहाँ पे ऊपर जो प्रोफाइल वाला आइकन दिख रहा है, जहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है मैनेज योर गूगल अकाउंट, जहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको जहाँ पे डेटा एंड प्राइवेसी जो दिख रहा है, जहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको दोस्तों नीचे आ जाना है, जहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐप्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जहाँ पे जो एरो दिख रहा है, एरो पे आपको क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, जहाँ पे दोस्तों आपको दिख जाएगा फोटो। जैसे मैंने 14 फोटो जहाँ पे बैकअप किए हुए हैं, सेव किए हुए हैं, अगर आपने किसी अदर एप्लीकेशन के थ्रू किए होंगे वो भी आपको जहाँ पे एप्लीकेशन दिख जाएगा, ठीक है। जहाँ पे आपको फोटोज़ पे क्लिक करना है जो दिख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपके सारे फोटो जहाँ पे शो हो जाएंगे, जो भी जहाँ पे सेव हुए होंगे। आप जिस भी फोटो को देखना चाहते हो, सिंपल सा उसी फोटो पे आपको क्लिक करना है, वो फोटो आपके सामने शो हो जाएगा। अगर आप इस फोटो को गैलरी में वापस लाना चाहते हो, सिंपल सा आपको ऊपर 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप जहाँ से डाउनलोड करोगे, आपका जो फोटो गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती या फिर कोई और क्वेश्चन है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो, या फिर वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू।